अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे अल्लाह के करम से। आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। आप सबको हमारी तरफ से बार बार रोज़ा मुबारक। और आपके अल्लाह के फजल आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो हम बनाएंगे साबुदाने और आलू की टिकिया, आलू और साबुदाने की टिकिया बनाएंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। ये साबुदाना भिगा के रखे हमने, एक घंटा भिगाए हमने। अब इसको हम पानी से हमने बॉयल करके छील लिए हैं, छिलका निकाल दिए हैं। तो अब इसको हम मैश करेंगे और ये साबुदाना जो है इसको पानी से अलग कर देंगे। और इफ्तार की तैयारी शुरू होती जा रही है। तो अब इसको इससे भी मैश कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी है तो जिससे कर सकते हैं। या फिर ये जो दाल घोटनी होती है, दाल घोटनी से कर सकते हैं। देखिए ये दाल घोटनी से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम इससे करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू को अच्छे से बॉयल करें और छिलका उतारें इसका, और उसको इस तरह से मैश करें कि वो अच्छे से मैश हो जाए। तो गाइस ये हो गया हमारा अच्छे से आलू मैश हो गए। साबुदाना लिया हमने आधा पाव साबुदाना है और 5 आलू है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हमने इसको आधा घंटा, एक घंटा भिगो कर रखा था। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच, छोटा सा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्च का लहसुन कुटा पीसा डाल सकते हैं, लेकिन हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, लाल मिर्ची का पाउडर। और लाल मिर्ची कम ही डालना चाहिए, क्योंकि ताकि छोटे बच्चे खाने से गीस करते हैं, छोटे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं वो। एक चम्मच अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक चम्मच अजवाइन है, छोटा चम्मच। एक चम्मच जीरा है, साबित जीरा छोटा आधा चम्मच। पीसा हुआ जीरा है एक छोटा चम्मच। हसबी जया का नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा ना कम, अपने हिसाब से डालेंगे। तो हमने एक छोटा सा चम्मच लिया है। और ये हरा धनिया है तो डालेंगे। और ये चिली फ्लेक्स है तो ये भी थोड़ी डालेंगे हम, ताकि हमारे टिकिया में टेस्ट आए ज़रा। तो इस तरह से मिलती है बाज़ार में ये। अब ये सब को हम क्या करेंगे, मैश करेंगे, हाथ से करेंगे गाइस। तो ये साबुदाना टिकिया बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको तले तक भी स्वाद नहीं आता है, इतने पसंद होते हैं गाइस। आलू तो घर में ही होते हैं, साबुदाना भी होता है। और ये जो सामग्री जो है, मिर्ची वगैरह, कोथमीर वगैरह, तो अपने रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें घर में रहते हैं, तो बच्चों को बनाकर खिलाएं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। साबुदाना भी ताकतवर रहता है, बच्चों को अच्छा रहता है पेट के लिए। तो बनाए खिलाए इस तरह से मैच अच्छा करे जो, ताकि आलू के टुकड़े टुकड़े ना रहे। हाँ आलू की तैयारी। तो गाइस हम चलते हैं गैस की तरफ, चलते हैं और पैन रखते हैं। गैस को ऑन किया है। अब हम कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा देर में तल सकते गाइस। अब ये हाथ हथेली पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे गाइस, ताकि हमारे हाथों को आलू चिपके ना, आलू चिपक जाते हैं तो हथेली भी चिपक जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से गोल गोल बनाइए और इतने टेस्टी होते हैं और चटपटे। चाहे तो आप हरी मिर्ची के पेस्ट में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से बिस्मिल्लाह। ये हाथ को चिपकते नहीं है गाइस, थोड़ा सा तेल लगाने से। इस तरह से गोल बनाइए और इसको जितने मोटे रखना चाहे मोटे रखें, पतले रखना चाहे पतले रखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए गाइस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही टेस्टी होते हैं गाइस। और बना के खाए रमजानों में तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका।
तो गाइस जो हम बता रहे हैं प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है, सब्सक्राइब बहुत कीमती होता है, और प्लीज़ हमको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बताएं हम। अभी वो दूसरे पार्ट को निकालिए हम एक प्लेट में। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस तरह से हम ये पूरे बना के तैयार करके तैयार करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस कितने अच्छे और कितने यम्मी बने हैं, खाने में भी इतने टेस्टी है। आप बनाए बताएं कि किस तरह से हमारी रेसिपी बनाया आपने, तो उसकी वो जो कॉपी है जो बनाएंगे आप तो उसकी एक फोटो भेज दीजिए प्लीज़। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पहले कीजिए। तो ईमेल आईडी पे हमारे को आप फोटो भेजिए जो आप बनाएंगे इस रेसिपी। तो गाइस अच्छे से बने हैं, हर चीज़ देख के बनाए, दालें रमज़ान है तो इसलिए आप अच्छा बनाएं, खाएं और खिलाएं, आपकी भी तारीफ होए कि आप कितना अच्छा बनाए। आई लव यू।